और एक बार आप लोगों को हैप्पी दिवाली, जो कि सुबह से मैं नहीं बोला हूँ, और आप सभी को हैप्पी दिवाली, बहुत बड़ा बड़ा हैप्पी दिवाली। और फाइनली दोस्तों मैं पूजा करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, पंडित का भेष बना लिया है अभी, मतलब पंडित जी हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे और हम पूजा करेंगे। राधे राधे आप सभी को, आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं नोएडा आ गया, मतलब कल शाम में ही मैं नोएडा आया था, लेकिन अभी मैं नहा धोकर अपना चंदन टिका करके पूजा करके और ये भगवद गीता पढ़ने के लिए बैठा हूँ। तो सोचा हूँ कि ब्लॉग शुरू कर दूँ, इतना मतलब वो धूप का इतना धुंध हुआ पड़ा अंदर में कि क्या ही बताऊँ। और अभी हम लोग 9:30 बजे सोकर उठे थे, अभी 10 बज रहा होगा मेरे हिसाब से। अभी ये पढ़ने के बाद फिर नाश्ता बनाऊँगा, नाश्ता करूँगा, फिर आज पूजा वूजा करेंगे तो तैयारी उसकी करनी पड़ेगी, लाइट वाइट ला के लगाना पड़ेगा, ये सब बेडशीट वगैरह चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो जल्दी जल्दी फटाफट अभी चलते हैं, भगवद गीता पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का कार्य करते हैं दोस्तों, और आप लोगों से शेयर करते रहते हैं। ओके, फाइनली दोस्तों मेरा साफ सफाई का कार्यक्रम शुरू हो गया है। और मैं अभी तक सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, लेकिन वो गिफ्ट में ये सोम पापड़ी मिला था ना हमें, ये मैंने सोम पापड़ी खाया है दो। और मैं अभी गैस चूल्हा साफ कर दिया हूँ, ये गंदा हुआ पड़ा था, बेसिन गंदा हुआ पड़ा था, तो इसको मैं साफ कर दिया हूँ दोस्तों। और अभी बेडशीट चेंज करने के लिए इधर वो रखा हूँ, सब हटा करके रखा हूँ, बेडशीट इसको चेंज करके दूसरा बेडशीट बिछाऊंगा, क्योंकि बेडशीट काफ़ी दिन से बिछा हुआ है, तो इसको चेंज करते हैं। उसके बाद फिर भगवान जी का जो इधर मंदिर है, ये मंदिर है, इसको फिर वो पेपर लाए हैं चाचा, उसको चेंज करके और इसको भाई बढ़िया से अच्छा से सजाऊंगा लाइट वाइट लगा करके। उसके बाद फिर खाना वाना बनाने का कारोबार देखेंगे, अभी फिलहाल इतना कर लेते हैं। फाइनली दोस्तों हमारा खाना पीना बन चुका है और हमने बनाया है रोटी और ये भुजिया, जिसमें आलू पूरा चोखा हो गया है और फूलगोभी ऐसे ही खड़ा खड़ा लगे, फूलगोभी बड़ा बड़ा था इसीलिए। और अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे, उसके बाद ये भगवान जी का यहाँ पे है, ये सब चेंज करेंगे अभी, ये जब पेपर लाए ये चिपकाएंगे और भगवान जी का फोटो लाए, ये सब लगाएंगे आज। और वो बकबुक जलने वाला लाइट लाएंगे क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। और अभी फिलहाल खाना खाते हैं क्योंकि अभी 12 बज चुका है, सुबह से कुछ खाए नहीं है, तो पहले खाना खा लूँ उसके बाद ये सब कार्यों में लगेंगे। और उसके बाद फिर शाम में पूजा पाठ करेंगे, भगवान जी की आरती करेंगे। वैसे तो मुझे फ़ोन आया था कि चलो घूमने के लिए, लेकिन मैं घूमने नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे ये सब काम अभी करना है। चलिए फिलहाल खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद ये सब कार्यों में लगते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग खाना पीना बना करके खा पी लिए, थोड़ा आराम भी कर लिए, और इंडिया का मैच भी शुरू हो गया है। और देखिए अभी ऐड दे रहा है, लेकिन इंडिया का मैच शुरू हो गया है। और इधर चाचा जी मंदिर में सही करने में लगे हुए हैं, अभी जाते हैं, एक भुकभुकिया बॉल लेकर के आएंगे, वो लगाएंगे इधर में ताकि अच्छा लगे। अभी चाचा जी सब चेंज कर देंगे वो पेपर और फाड़ करके, और उसके बाद चलते हैं, भुकभुकिया वाला बॉल लगा देंगे गेट पर भी चारों तरफ, थोड़ा अच्छा लगेगा। और अभी देखिए मैच शुरू हो गया है इंडिया का। हाँ देखिए मैच स्टार्ट हो गया है, कितना है, 29 रन हो गया है इंडिया का स्कोर, 29 रन हो चुका है दोस्तों। तो चलिए अभी फिलहाल अभी सजा लें, उसके बाद फिर आप लोगों को सजाने के बाद दिखाते हैं पूरा बॉल वॉल लगा करके, ठीक है दोस्तों। फाइनली दोस्तों मैं अभी मार्केट से आ गया हूँ, हाँ सो गया था मैं उस टाइम, खाना वाना खा करके मैच देखते देखते अभी मार्केट से आया दोस्तों, अभी ये खा लूँ और थोड़ा वीडियो बना लूँ। मैंने ये लाइट लाया है, ये वाला LED, अरे यार बंद कैसे हो गया। अच्छा ये धीरे धीरे ये रंग चेंज करता रहता है ना इसीलिए। और ये हमने कपड़ा लिया है, एक पैंट लिया है, एक चिदांशु के स्वेटर लिया है, वो पनीर लेकर के आए थे कि पनीर की सब्जी, वो पनीर चावल फ्राई बनाऊंगा, तो ये फिलहाल ये खा लेते हैं। सुबह फिर भगवान जी को भी सजाना है, ये अभी सजाना है इनको, अभी ये पेपर लेके आए हैं चाचा तो इसमें चिपकाना है मुझे, तो चलिए फटाफट खा पी करके चिपका लेते हैं। फाइनली दोस्तों देखिए मेरा मंदिर डेकोरेट हो गया बहुत अच्छे से, एकदम बहुत ही मस्त, देखिए चमचमाता हुआ एकदम, भुकभुकिया बॉल जल रहा है। और चित्रांशु को हम लोग अभी वीडियो कॉलिंग पे दिखाने वाले, ये बोला था कि हम चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो उसको हम लोग गलत साबित करने वाले हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी वीडियो कॉलिंग करो जी, ये चित्रांशु बोला कि हम चल जाएंगे, नहीं सजेगा मंदिर जो है। हाँ तुम क्या सोचा था, हम नहीं लौटेंगे, हम नहीं आएंगे तो नहीं बनेगा मंदिर, देखिए हम करते हैं, रुकिए। अच्छा तुम करो ना जी, देखो हम लोग सजा के एकदम मस्त बना दिए, अभी अभी जा रहे हैं तुम्हारा स्वेटर का उद्घाटन करने हमें।
और ये देखिए दोस्तों, हमने पहनने के लिए लाया है आज के दिन, मतलब चित्रांशु का स्वेटर, लेकिन अभी उद्घाटन कर देंगे। और ये मैंने पैंट लाया है, तो ये पहनेंगे और पूजा पाठ होगा भी। और खाने में आज व्यवस्था बनाए, ये पनीर लाए हैं और ये मटर लाए हैं, मटर पनीर का और चावल का फ्राई करके दाल चावल, मतलब मटर पुलाव, दाल पुलाव और सब्जी सब खाएंगे अभी। तो फिलहाल अभी पूजा पाठ की तैयारी कर लें और उसके बाद फिर खाना खाएंगे और बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। फिलहाल देखिए डेकोरेशन हमारा, पैसा लग रहा है, मजाक थोड़ी ना है। 200 रुपया में बोल ले लिए, 200 रुपया में बोलवा 100 रुपया में, 100 रुपया में हमारा लड़के यहाँ 200 रुपया में जे। ता आप सुंदर लगे थे मंदिर, देखो दिखाते हैं मंदिर, या देखो मंदिर जाए। चलिए दोस्तों, अब पूजा होता है तो फिर आप लोगों से मिलते हैं और बातें करते हैं। फाइनली दोस्तों मैं पूजा करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, पंडित का भेष बना लिए है अभी, मतलब पंडित जी हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे और हम पूजा करेंगे। और ये सारी तैयारी हमारी चल रही है पूजा की, तो पंडित जी मंत्र भी पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग भी करेंगे। पढ़िए सर जी। बस बस हो गया। हाँ, क्या करना है? अब उसमें एक हाथ से दहना लेके जो है इसमें हाँ, हाँ, लेको ओम केशवाय नमः, उतना हाथ का मुंह लेना है, ओम केशवाय नमः, मुंह डालो, मुंह डालो, ओम माधवाय नमः, आओ डालो, आओ डालो, आओ डालो, मुंह डालना है उसमें। अच्छा हाँ, उसको ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः। अब इसमें लो जल, लोटा रखो वहाँ पे, उसमें खुल रखो और दोनों हाथ से उसको जो है पानी में हाथ धो के धोता है। ओम हिरसी के साय नमः, ओम हिरसी के साय नमः, ओम हिरसी के साय नमः। हाँ, अब उसमें जल लो लोटे से और बाँह से लेके छिड़ो, सर पर छिड़ो, ओम अपवित्र पवित्रो, अपने सर पे ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो अपि यह अस्मरण पुण्डरीकाक्ष सपना तू। अब हाथ जोड़ो जो है, ओ ओम पुण्डरीकाक्ष नमः, ओम पुण्डरीकाक्ष नमः, ओम पुण्डरीकाक्ष नमः, ओम पुण्डरीकाक्ष नमः। हाँ, अब जो है, अब ऊपर जो है अथी रोड़ी है ना, रोड़ी निकालो, से चंदन निकालो, सब भगवान पे जो है जो, हाँ जो देखिए जो देवी है उनके पैर पे और जो जेंट्स हैं उनके थी पे, और जो सीता माँ है उनके पैर पे जो है, लक्ष्मी माँ है उनके पैर पे जो है, सरस्वती जी है उनके पैर पे, गणेश जी के लड़ाक पे पैर पे, सरस्वती जी के पैर पे, गणेश जी के उस पे, हाँ हाँ आया को देखो, हाँ हाँ, और उस सामने वाले मूर्ति पे उसमें भी देखो ना गया हुआ जाए। फाइनली दोस्तों मेरा पूजा हो गया है, और देखिए मैं हम लोग अच्छे से पूजा किया, आधा एक घंटा पूजा किया अभी देखिए, और हमारा पूजा पाठ हो गया, मैं पूजा किया, चाचा जी, चाचा जी जो पंडित जी का रूप धारण करके रखे थे, तो पंडित जी वाला काम कर रहे थे, मंत्र मंत्र पढ़ रहे थे, आरती उरती कर रहे थे, और हम लोगों का अब खाना बनाने का कार्य शुरू होने वाला है। हाँ, और हाँ, खाना हाँ, में आज रहेगा वो पनीर वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, पुलाव रहेगा और चावल रहेगा और भुजिया रहेगा। और अभी बनाने की तैयारी चल रही है, दाल बना है अभी, तो बनाते हैं, बनाने चलते हैं क्योंकि 8:30 ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए खाना बनाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। और हम लोग आज बहुत अच्छा डेकोरेट किए थे, मतलब ऐसा अच्छा लग रहा है देख के, बहुत अच्छा, देखिए आप लोग भी। और एक बार आप लोगों को हैप्पी दिवाली, जो कि सुबह से मैं नहीं बोला हूँ, और आप सभी को हैप्पी दिवाली, बहुत बड़ा बड़ा हैप्पी दिवाली, और राधे राधे आप सभी को। और आप लोग भी जाइए दिवाली मनाइए कैसे, हालांकि मेरा 2 दिन बाद ब्लॉग आता है, बट कोई नहीं, इसलिए आप सभी को हैप्पी दिवाली। और अभी चलिए खाना बनाते हैं, खाना बना करके फिर आप लोगों से मिलते हैं और आप लोगों को खाना दिखाते हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों मेरा पनीर चावल फ्राई रेडी हो गया है और चावल रेडी हो गया, और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कैसा बनाया हूँ, और खाने का टेस्ट मुझे ही पता होगा। और ये चित्रांशु तुम देखना भाई, तुम्हारे लिए हम स्पेशल बना रहे हैं वीडियो कर चाचा जी, देखना तुम चित्रांशु, क्योंकि तुम तो चला गया दोस्त, तो अब यही बचा है तुमको वीडियो देखने के लिए। और ये दाल फ्राई हमारा है इधर,
चावल फ्राई या दाल फ्राई। चावल फ्राई और दाल फ्राई हमारा रेडी हो गया दोस्तों, तो चलिए हम खाना खाते हैं क्योंकि अभी 10 बज चुके हैं रात के। और आज का ब्लॉग अब यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हैप्पी दिवाली, पटाखा छोड़ करके सो जाइए। बाय बाय, टाटा, राधे राधे, गुड नाइट।